दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन से पहले हेड कोच के नाम पर एक बड़ा बम विस्फोट तो कर ही चुकी है। काफी सारी टीमों में बातचीत हो रही है और अब सभी टीमें रुक करेंगी जिन जिनके पास हेड कोच नहीं है कि वो डोमेस्टिक हेड कोच के ऊपर रुक करें। पर दोस्तों अभी भी काफी सारी टीम से ओवरसीज कोच ही लेना पसंद करेंगी। खैर रीजन हम आपको बहुत पहले दे चुके हैं, अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है, बट कुछ ऐसे टारगेट प्लेयर्स है जो टीम केकेआर अपनी टीम में लेना चाहेगी मिनी ऑक्शन में, और इसी के चलते उन्होंने अपनी सब फ्रेंचाइजी एडीकेआर की टीम बनाई है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एडीकेआर के कुछ खिलाड़ी जिनको यहां पर चूज किया गया है मिनी ऑक्शन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लो। सो दोस्तों मैं आपको रोज अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो यार दोस्तों काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं और आप बिना लाइक किए जाते हो तो एक लाइक जरूर वीडियो को कर दो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो यार वापस आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे नाम जिनको टीम केकेआर कंसिडर तो कर रही है, बट एक आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है जिसमें आप किसी भी प्लेयर को ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते हो जब तक उसका रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। और इसी के चलते दोस्तों टीम केकेआर अब मिनी ऑक्शन या मेगा ऑक्शन को इतना सीरियसली तभी लेगी जब वो दूसरे टीमों से जो दूसरे देश है उससे अपनी सब फ्रेंचाइजी एडीकेआर टीकेआर और भी जो आगे आने वाली है उनमें वो उनको एड ऑन करेगी। सो एडीकेआर में से कुछ प्लेयर्स जो केकेआर में आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट केकेआर के लिए हुए थे, पर दोस्तों अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो फॉर श्योर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तीन ही खिलाड़ी हैं ओवरसीज़ है, तो ओवरसीज़ काफ़ी कम ऑप्शन टीम केकेआर इस बार चूज़ करने वाली है। यार दोस्तों इन तीनों के नाम आप सबसे पहले सुन लो, पॉल स्टर्लिंग, अकील हुसैन और किनार लुइस। तो यार दोस्तों पॉल स्टर्लिंग एक बहुत ही दावेदार, सबसे पावरफुल दावेदार अभी वही चल रहे हैं। अकील हुसैन लेफ्टी की जहां बात की कि नहीं है टीम केकेआर के पास, वो एक लुक आफ्टर होने वाला है। किनार लुइस तो भाई साहब आप इनका एक बार सर्च मारो इनको इंस्टाग्राम पर या कहीं भी और इनकी क्लिप्स देखो, रसल के बिल्कुल वो बैकअप है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग जो तीन खिलाड़ी अगर टीम केकेआर में आते हैं तो किन तीन को बाहर निकालना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।